नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार का कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो और उसमें धांधली की, भ्रष्टाचार की बातें सामने ना आए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हाल ही में एसटीईटी 2019 के तीन विषयों का रिजल्ट 21 जून को जारी किया गया है। इसके साथ ही मेरिट लिस्ट की भी सूचना दे दी गई है। आपको एक बात की जानकारी दे दें कि 2019 के एसटीईटी का ये एग्ज़ाम था जिसके 12 विषयों का रिजल्ट मार्च में जारी कर दिया गया था, जिसमें 24,599 अभ्यर्थियों के पास होने की घोषणा विभाग ने की थी, खुद शिक्षा मंत्री ने की थी। और उस दौरान शिक्षा मंत्री ने इस बात की भी घोषणा की थी कि जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं उनकी नौकरी पक्की है। इसके बाद जो तीन विषयों का रिजल्ट किसी कारण से रुक गया था उसे 21 जून को जारी किया गया और इस दौरान मेरिट लिस्ट भी जारी की गई है। इस रिजल्ट को जब अभ्यर्थी डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें उनके क्वालिफाइड होने की भी बात सामने आ रही है, साथ ही उनके मेरिट लिस्ट के बारे में भी सूचना दी गई है। लेकिन अब झोल यहीं पर खड़ा हो गया है, क्योंकि जो बात शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग ने कही थी कि जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं एसटीईटी 2019 की परीक्षा में उन्हें नौकरी मिलेगी, अब वो अपने ही बात से मुकर गए हैं। क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो क्वालिफाइड घोषित किए गए हैं उनके रिजल्ट में, लेकिन क्वालिफाइड घोषित होने के बावजूद उनका नाम मेरिट में नहीं है। और इसकी वजह से सोशल मीडिया पर इन अभ्यर्थियों ने महासंग्राम मचा रखा है और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से सवाल कर रहे हैं कि आखिर आप अपने ही बात से कैसे पलट गए और ये बड़ा झोल कैसे हो गया। शिक्षा विभाग से भी सवाल किया जा रहा है, जवाब उन्हें देना पड़ेगा क्योंकि वो अपने बात से ही पलटते नजर आ रहे हैं और दो गंभीर सवाल इस रिजल्ट को लेकर खड़े हो गए हैं। जो दो गंभीर सवाल है वो पहला ये है कि जो सीटों की संख्या दी गई है कि किस विषय में कितने सीटों पर भर्ती होनी है, उनमें से तीन विषय हैं कंप्यूटर साइंस, जूलॉजी और सोशल साइंस, जिनमें सीटों की संख्या जीरो बताई गई है, यानी पूरे के पूरे सीट भर दिए गए हैं। लेकिन इसी वजह से एक और गंभीर सवाल खड़ा हुआ है कि इन विषयों, जो तीन विषय हमने आपको बोले, उनमें जितने अभ्यर्थी क्वालिफाइड थे अगर उतने ही अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया और उसी से सीट भर गया, तो फिर उन अभ्यर्थियों में से किसी के भी रिजल्ट पर नॉट इन मेरिट लिस्ट नहीं लिखा होना चाहिए। लेकिन इन विषयों के भी कई अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर नॉट इन मेरिट लिस्ट लिखा आ रहा है। सवाल ये उठता है कि जब ये क्वालिफाइड अभ्यर्थी मेरिट में नहीं है तो फिर कौन है, किसने आकर परीक्षा दे दिया, कैसे उनका चयन हो गया, सवाल ये पहला है। दूसरा ये है कि कई सीटें तकरीबन 12 विषयों में टीचर की खाली पड़ गई हैं, यानी स्थान रिक्त रह गए हैं। इसके बावजूद भी क्वालिफाइड होने के बाद अभ्यर्थियों का नाम मेरिट में नहीं है, क्यों नहीं है जब वो क्वालिफाइड है तो। और खुद शिक्षा मंत्री ये बात बोल रहे थे कि जो भी क्वालिफाइड है सभी की नौकरी पक्की, तो फिर यहाँ पर नौकरी कहाँ गई और किसे मिली, इसी को लेकर छात्र नेता दिलीप कुछ कह रहे हैं, आप पहले उन्हें सुन लीजिए। दोस्तों, बिहार में कोई भी ऐसी बहाली नहीं है जिसमें धांधली नहीं हो और जिसमें पूरी तरह पारदर्शिता बरती जाए। हर बहाली में धांधली होती है और पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अभी एसटीईटी का जो रिजल्ट आया था कुछ दिन पहले, उसमें 24,599 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था और अभी कल तीन विषयों का रिजल्ट आया है, यानी कुल मिला के 30,676 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया और 6,794 सीट कहा जा रहा है कि अभी भी खाली रहेगा, क्योंकि जितने सीट खाली है बिहार में शिक्षकों की उतना एसटीईटी पास नहीं कर पाए। और जिस समय पहली बार रिजल्ट आया था 24,599 का, तो उस समय कहा गया था शिक्षा मंत्री के द्वारा और बिहार सरकार के प्रधान सचिव के द्वारा भी कि ये सभी अभ्यर्थी शिक्षक बनेंगे, यानी कि जो एसटीईटी क्वालिफाई किए, पास किए, उनकी नौकरी पक्की है और जितना सीट खाली है उतना ही रिजल्ट दिया गया है, हालांकि उससे कुछ कम ही अभ्यर्थी सफल हो पाए। तो जब जितना सीट खाली है उससे कम ही रिजल्ट दिया गया और शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया कि जितने भी एसटीईटी पास किए हैं सबको नौकरी मिलेगी, तो कल जब मेरिट जारी किया गया है, वेबसाइट पर जारी हुआ है, तो उसमें हजारों अभ्यर्थी को
मेरिट में नॉट इन मेरिट बताया जा रहा है, यानी कि मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं है, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है जब 24,000, और दूसरी बात कि 24,599 की संख्या भी दिखाया जा रहा है, कुल संख्या मेरिट वाले का, और हजारों अभ्यर्थियों को उसमें नॉट इन मेरिट बताया जा रहा है, यानी कि वो मेरिट से बाहर भी हो चुके हैं, तो फिर वो संख्या बराबर कैसे हो सकता है? यानी कि उस समय जो 24,599 सफल हुए थे और अभी मेरिट से बाहर भी हुए हैं, बहुत छात्र छात्राओं को बाहर भी किया गया, फिर भी संख्या उतनी ही कैसे हो सकती है? यानी कि हजारों अभ्यर्थियों को जो सफल थे उनको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया, और हजारों ऐसे अभ्यर्थी जो कि असफल थे यानी कि फेल थे, उनसे RCP टैक्स के रूप में लाखों रुपया लेके सफल घोषित किया गया, मेरिट लिस्ट में जगह दे दिया गया और उनको शिक्षक बनाया जाएगा। आप सोचिए कि वो लोग किस तरह से शिक्षक बनेंगे और किस तरह से पढ़ाई करवाएंगे और क्या बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगा। तो ये बिहार में सिर्फ और सिर्फ RCP टैक्स की वसूली की जा रही है, और ये RCP टैक्स की वसूली और धांधली सिर्फ शिक्षक बहाली में ही नहीं हुई है, ये शिक्षक बहाली में तो महाखेला कर दिया गया है। इससे पहले बिहार दरोगा का कुछ दिन पहले रिजल्ट आया, उसमें भी महाखेला हुआ, उसमें PT मेंस इंटर, PT मेंस फिजिकल, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट सब में खेला हुआ और ज़बरदस्त धांधली हुई। सिपाही भर्ती में धांधली हुई, BPSC में धांधली, BSSC में धांधली, नर्स बहाली में धांधली। अभी 780 स्वास्थ्य कर्मियों की जो नियुक्ति हुई थी मुजफ्फरपुर में, वो फर्जी तरीके से हुई थी और RCP टैक्स के रूप में पैसा लेके हुई थी, और जब ऑडियो वायरल हुआ तो सभी की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। लेकिन जिन लोगों ने सेटिंग करवाया और जो लोग इसमें दलाली किए, दलाल थे, सेटर थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बिहार में ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा, ये अब आप लोगों को सोचना पड़ेगा और बिहार के समस्त छात्र छात्राओं को सोचना पड़ेगा, अपनी अंतरात्मा से पूछना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि आखिर ये जो धांधली है कब तक चलता रहेगा और हम लोग कब तक सहते रहेंगे। और जब तक सभी परीक्षार्थी, बिहार के समस्त छात्र छात्रा एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आके आंदोलन नहीं करते हैं, तब तक ये धांधली रुकने वाली नहीं है। आप सोचिएगा कि हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो अलग आंदोलन कर ले, दरोगा अभ्यर्थी सोचेंगे कि दरोगा अभ्यर्थी हम हैं तो अलग आंदोलन कर ले, BPSC वाले सोचेंगे कि हम अलग आंदोलन कर ले, तो सरकार बात मानने वाली नहीं है और तानाशाही रवैया अपनाती रहेगी और इसी तरह धांधली और महाधांधली होती रहेगी। तो अब जरूरत यह है कि चाहे आप शिक्षक अभ्यर्थी हों, दरोगा अभ्यर्थी हों, बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हों, BPSC के अभ्यर्थी हों, BSSC के अभ्यर्थी हों या नर्स बहाली के अभ्यर्थी हों, सभी को एकजुट होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा और एक साथ मिलकर बिहार के समस्त छात्र छात्राओं को जबरदस्त आंदोलन करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में, सरकारी बहालियों में धांधली रुकेगी और पारदर्शिता आएगी। अगर आप चाहते हैं कि धांधली रुके और पारदर्शिता आए तो प्लीज़ आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि इसी उद्देश्य से हमने राष्ट्रीय छात्र एकता मंच बनाया है जो कि फेसबुक पे ग्रुप है, आप लोग उस ग्रुप से जुड़िए। और हर एक जिला में, जिला स्तर पे और प्रखंड स्तर पे हम एक टीम बना रहे हैं, 11 सदस्यीय टीम बना रहे हैं जो कि उस जिला में छात्रों को एकजुट करने का काम करेंगे और हर एक जिला में एक साथ आंदोलन होगा और उसके बाद फिर पटना में लाखों छात्र एक साथ उतरेंगे। अगर आप लोग हमारा साथ दे देते हैं, सभी छात्र छात्राएं, तो पटना की सड़कों पर जिस दिन लाखों छात्र एक साथ उतरेंगे तो सरकार को हम लोग की बात माननी पड़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली भी रुकेगी और पारदर्शिता भी आएगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि धांधली रुके और पारदर्शिता आए तो प्लीज़ हमारा साथ दीजिए और हमें फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमें सूचित कीजिए, बताइए। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। आप इस नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप करके बताइए और एकजुट होइए, एकजुट होना ही पड़ेगा। आप झारखंड में देखिए किस तरह से एकजुट होकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ भी एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसी तरह कुछ लोग आपको भड़काएंगे कि अगली बहाली की तैयारी करो, अगली बहाली की तैयारी करो, फिर उसमें भी इसी तरह धांधली होगी। तो प्लीज़ आप एकजुट होइए और हमारा साथ दीजिए। तो बड़े गंभीर सवाल STET रिजल्ट 2019 पर खड़े हो गए हैं और साथ ही शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड है, जिनके भी रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं, जो भी इसमें पास हैं, उन्हें नौकरी मिलेगी। लेकिन क्वालिफाइड होने के बावजूद यहाँ पर अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिल रही है और इसी वजह से ये अभ्यर्थी बिहार के शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है संजय कुमार और साथ ही शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, उनसे पूछ रहे हैं कि हमारी सीट कहाँ गई, किसे बेच दिया। ये सवाल उनके हैं और ये गंभीर आरोप भी उन्हीं के हैं, जवाब शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री को देना है या फिर कोई स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं कि कुछ त्रुटियाँ हुई हैं। अगर त्रुटि हुई है तो इसका क्लियर किया जाना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों में भ्रम ना बने, लेकिन जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम अब तक लगातार पहुंचा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार,
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।